हाई गाइज, आई एम शशि हरितवाल, कंटेस्टेंट ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया 2023। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं मेमोरी ऑफ बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताए हुए एक हसीन पल के बारे में हमें बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज कि आज से करीब 10 से 12 साल पहले मैं और मेरी फ्रेंड का नाम है पिंकी, हमने एक क्लासेस अटेंड की थी जो काफ़ी मज़ेदार थी। काफ़ी हमने वहाँ इंजॉय किया, जो कि गवर्नमेंट की क्लासेस थी जिसका 2 मंथ का कोर्स था। हम दोनों ने वो क्लासेस अटेंड कर ली। वो क्लासेस अटेंड करके गाइस, हम जो हमारे बचपन के दिन थे, हमने वो याद किए। मतलब कि आप यूँ लग रहा था कि आप बड़े नहीं हो, आप छोटे बच्चे ही हो। वहाँ के डिसिप्लिन वैसे थे, वहाँ के रूल्स वैसे थे कि आपको लेट नहीं आना है, लेट आओ तो आपको रिमार्क मिलता था, और अगर थोड़ा और लेट हुए तो आपको बाहर खड़ा किया जाता था क्लासेस के, और डेली का होमवर्क मिलता था, होमवर्क चेक भी होता था। मतलब कि गाइस, इतना हमने वहाँ इंजॉय किया। और हम दोनों जाते थे, कभी कभार हम थोड़ी बहुत मस्ती भी किया करते थे, और वहाँ सबसे पीछे हम बैठा करते थे गाइस। और वहाँ बैठकर हम जो आगे वाले होते थे उनके साथ छेड़खानी किया करते थे, कि जैसे किसी का दुपट्टा खींच लेना, किसी को चौक फेंक कर मार लेना। तो सर बोलते भी थे कि भाई पीछे के जो रो है वो ध्यान नहीं देते, बट ऐसा नहीं था। हम काफ़ी अच्छे से वो क्लासेस अटेंड करते थे, काफ़ी ध्यान देकर हम वहाँ पे बैठते थे कि सर हमें क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चंस होते थे उसका हम बराबर आंसर भी देते थे। और क्लासेस छूटने के बाद कभी कभी गाइस हम यूँ मस्ती कर लिया करते थे कि एक झाड़ के नीचे बैठकर वो जो सर थे उनकी एक्टिंग किया करते थे, और काफ़ी मज़ा आता था। मतलब कि वो स्कूल लाइफ जो थी हमारी, वो हमें याद आ जाती थी। और गाइस, हम वहाँ से छूटने के बाद डेली का हम पानी पूरी खाया करते थे। मतलब ऐसा कौन सा स्टॉल होता था कि जहाँ हम रुके ना हो और पानी पूरी का टेस्ट नहीं किया हो। मतलब कि उन दिनों जो 2 महीने में हमने पानी पूरी खाई, वाकई में आज तक इतनी नहीं खाई है। तो गाइस, मैं अगर ऐसी कोई क्लासेस फिर से हमें मिले तो हम दोनों ज़रूर उसे ज्वाइन करना चाहेंगे और वही लुफ्त वापस उठाना चाहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों आपको कि लाइफ में एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्ती करो तो ऐसी करो कि मरते दम तक उसे निभाएं। और अगर आप सामने से दोस्त को कभी ना छोड़े, अगर सामने वाला आपको छोड़ दे तो बात कुछ और है, बट दोस्त हो तो एक हो, बट लाइफ में दोस्त जरूर होना चाहिए।